आबकारी विभाग व पुलिस की टीम ने छापेमारी कर ठाकुर द्वारा क्षेत्र के बहादुर नगर बेरमपुर रत्तुपुर गांव में 10 संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी कर अवैध कच्ची शराब बरामद की। आपको बता दें कि लगातार आबकारी विभाग और पुलिस को सूचना मिल रही थी कि कुछ अभियुक्त ठाकुर द्वारा के गाँव बहादुरपुर नगर बेरमपुर में कच्ची शराब बनाने का काम हो रहा है। आज मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की गयी जिसमें लगभग 50 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गयी जिसको मौके पर ही आबकारी विभाग ने नष्ट कर दिया। शासन के निर्देश अनुसार लॉकडाउन अवधि में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद द्वारा गठित प्रशासन पुलिस व आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा उप आबकारी आयुक्त मुरादाबाद प्रभारी मुरादाबाद जिला आबकारी अधिकारी मुरादाबाद उप जिलाधिकारी ठाकुर द्वारा क्षेत्र अधिकारी ठाकुर द्वारा के नेतृत्व में प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 14/4/2020 को आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 3 राजेश कुमार सिंह, आबकारी निरीक्षक सेक्टर 4 शिखर श्रीवास्तव, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 2 विवेक चौहान, आबकारी निरीक्षक SSF कृष्ण मुरारी सिंह में आबकारी सिपाहीगण तथा थाना ठाकुर द्वारा के प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र पवार व SIगण तथा थाना पुलिस की टीम द्वारा थाना ठाकुर द्वारा के बहादुर नगर बेरमपुर व रत्तुपुरा गाँव में 10 संदिग्ध जगहों पर छापेमारी की कार्यवाही की गयी जिसमे सैकड़ों लीटर लहन में करते हुए लगभग 50 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गयी। 3 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार करते हुए उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में थाना ठाकुर द्वारा में अभियोग पंजीकृत कराने तथा उन्हें जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। सर, आज आपने कहां कहां छापेमारी की है? संपूर्ण लॉकडाउन अवधि में उत्तर प्रदेश शासन के आदेश के अनुपालन में उप आबकारी आयुक्त मुरादाबाद प्रभात और जिला आबकारी अधिकारी मुरादाबाद के नेतृत्व में जिला प्रशासन, सिविल पुलिस और आबकारी के द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाया गया। आज के अभियान में थाना ठाकुर द्वारा के बहादुरपुर, बैरमपुर और रतुपुरा गांव में जो है छापेमारी की गई। इस दौरान जो है भारी मात्रा में लहन को नष्ट किया गया और 50 लीटर कच्ची शराब को जब्त करते हुए 2 लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत थाना ठाकुर द्वारा में FIR दर्ज कर कार्रवाई की गई।